सो गाइज, हम लोग रेडी हो गए हैं अपने रजनकांडा वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए। एंड हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड भी हैं, लेकिन उन लोगों को अब मैं इस वीडियो में कैप्चर नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है अपना आपको कुछ अच्छा सीन दिखाने को, रजनकांडा वाटरफॉल का सीन अच्छे अच्छे दिखाने को, तो उन लोगों को मैं कैप्चर ना करके आपको मेन सीन दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बीच के मतलब हम लोग का जो ट्रैवल शॉट रहेगा वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसमें बहुत सारा बोरिंग आ जाएगा, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा जो इंटरेस्टिंग फोटोज़ हैं एंड वीडियोज़ हैं वो दिखाऊँ, एंड जो वहाँ का मेन पॉपुलर जगह है वो आपको दिखाऊँ। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप ये समझ सको कि अगर वो जगह आपको थोड़ी पसंद आई तो आप जाकर घूम सकते हो। तो इस वीडियो साथ एंड तक देखना और एंड तक बने रहना। एंड मेन थिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी बहुत ही लकी बाइक से कर रहा हूँ, जो कि होंडा एक्टिवा 5G है, जो कि मैंने अभी हाल में उसको परचेस किया है। एंड ये मिनिमम 70,000 to 72,000 में पड़ जाती है। एंड इसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी एक पर्सनल इसका भी अलग से ब्लॉग आपको बना के दूंगा, होंडा एक्टिवा 5G की तरह। तो आज इसी से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, रजनकांडा जाने वाला हूँ। मैक्सिमम 50 to 60 किलोमीटर यहाँ से हमको पड़ेगा, तो हम लोग उस होंडा एक्टिवा से ही ट्रैवल करेंगे। ओ भाई भाई भाई, स्पीड कम कर ले, आगे टर्निंग है। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पे। आप देख सकते हो पीछे क्या सीन है। ये यहाँ का फेमस वाटरफॉल है, रजनकांडा जगह है। आप नहीं जानते हो तब सर्च करके देख सकते हो, कुछ मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, आप इसको भी देख सकते हो, और ये मेरे कई सारे फ्रेंड है, आप देख सकते हो। यो, ये आपको सीन है पीछे का, आप देख लो। वाओ भाई, क्या सीन है। अब जैसा कि देख रहे हो, यहाँ का सीन कुछ ऐसा देखने को आपको दिखेगा, क्योंकि मैं इस समय स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं हूँ, मैं मिडिल पॉइंट में हूँ, मैं बीचों बीच आ गया हूँ वाटरफॉल की तरफ। तो आप यहाँ का सीन देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है एंड काफ़ी वाटर ब्लू है, ब्लू कलर में। तो एंड आपको जो मेन सीन यहाँ का जो खतरनाक सीन है, ये जिसको कह सकते हैं डेंजरस सीन, आप देख सकते हो यहाँ का जो डेंजरस सीन ये है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी डीपली है, यहाँ जो पानी वाटरफॉल गिर रहा है काफ़ी डीप है। तो यहाँ से मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे इसको शूट करूँ, बट थोड़ा बहुत मैंने आपके लिए डेंजरस ले लिया, बट इसमें उतना भी डेंजरस नहीं था। मैं तो उसमें कैमरा को घुमाया एंड ये शूट कर लिया। एंड यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ के जो माउंटेन थे वो काफ़ी स्लिपली है, मतलब काफ़ी फिसलते हुए उसमें अगर पाँव रखो तो स्लिप हो जाएगा। तो इसे भी एक ऐसा डर रहा था कि पाँव अच्छे से रखना है, तो मैं अपने वीडियो पे फोकस करूँ या फिर पाँव रखने पे फोकस करूँ। एंड यहाँ का जो पानी का फ्लो है वो भी काफ़ी तेज है, आप देख सकते हो। यहाँ का मेरा फोटोग्राफर भी यहाँ फोटो शूट पर लगा हुआ है, मेरा ये फ्रेंड है, नॉट ए फोटोग्राफर, फोटोग्राफर मतलब फोटो शूट में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, तो इसको भी मैंने ले लिया फोटो शूट के लिए, अपने सारे फ्रेंड्स का मेरा भी फोटो शूट करने के लिए। एंड यहाँ का जो सीन है कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ जो माउंटेन है, यहाँ का कलर जो ब्राउनिश कलर मैंने आपको बताया, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। एंड गाइस, एक मिनट, जहाँ मैं इस समय अभी हूँ, जहाँ इस समय हूँ वो काफ़ी मतलब यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, यहाँ भीड़ रहते हैं यहाँ नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी का डीपनेस है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे लोग पसंद करते हैं नहाने के लिए, यहाँ का डीपनेस जो काफ़ी कम है। एंड यहाँ पे बोटिंग भी कराई जाती है, जैसे कि बगल में आप देख सकते हैं चाचा जी हैं, मतलब मेरे चाचा जी नहीं है और भी मतलब लगेंगे ऐसे ही, तो वहाँ वो बोटिंग कराते हैं, कुछ इनकम ले लेते हैं 10 रुपये से 20 रुपये तक। एंड बहुत सारा यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी स्पॉट है जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ तो कई लोग यहाँ आता है पिकनिक मनाने अपने फैमिली के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ या फिर किसी फ्रेंड जो नहीं किसी के साथ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ्रेंड यहाँ फोटो शूट करा रहा है, काफ़ी अच्छा पोज दे रहा, आप देख सकते हो। यार यहाँ तो घूमने आए थे तो ये क्या हो रहा फोटो शूट, बट ये काफ़ी अच्छी बात है यार, कुछ तो यादें अपने साथ लेके ही जाएंगे। तो सर मैंने वीडियो बना लिया, उन्होंने वो कर लिया फोटो शूट, ये देखिए मैंने देखा, जैसा कि आपको बता दिया पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे कई लोग आते हैं यहाँ कुकिंग करने या इन्जॉय करने या फिर जो भी कुछ अपने फैमिली का। ये चाचा जी जो यहाँ बोटिंग कराते हैं, 10 से 20 रुपये लेते हैं, इस पार से उस पार कराते हैं एंड सेल्फी ले सकते हो अपनी पानी के बीच में। सो गाइस, हो सकता है आपको थोड़ा इस वीडियो में नॉइज प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने यहाँ माइक प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने थोड़ा कोशिश किया कि मोस्ट
मोस्ट ब्यूटीफुल सीन कैप्चर कर लूँ बट अपने नॉइस को, क्योंकि यहाँ जो ब्यूटीफुल सीन को वाटर, ये तो वाटर का जो फ्लो है काफ़ी तेज़ है, तो वहाँ से हो सकता है आपको काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही हो, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट कोई नहीं यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, और इतना अच्छा अच्छा सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ तो उसके लिए कर ही सकते हो। सो गाइज, अब बहुत सारे सीन मैंने आपको दिखा दिए जो काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल थे। अब टाइम हो गया हमारे लौटने का, तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मैं चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना, एंड बेल आइकन दबा देना फ्रेंड।